हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में ही मैं लैबकेयर की तरफ से दो और कूलिंग पैड्स एंड स्टैंड लेके आया हूँ। ये बेसिकली स्टैंड है एंड ये बेसिकली है कूलिंग पैड। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड ये जो है ये है लैबकेयर की तरफ से विनर एंड ये है लैबकेयर की तरफ से लेजेंड। तो दोनों अपनी अपनी प्राइस सेगमेंट में आते हैं। ये सस्ती प्राइस ब्रैकेट में आएगा, ये थोड़ी महंगी प्राइस ब्रैकेट में आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ एंड देन उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनबॉक्सिंग फर्स्ट। तो चलिए अनबॉक्सिंग को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास लैबकेयर लेजेंड एंड हमारे पास है लैबकेयर विनर। ये भी एल्यूमिनियम अलॉय लैपटॉप स्टैंड LCP 111। तो ये दोनों की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखो यार, ये ऑब्वियसली महंगा है, ये सस्ता है, तो पहले इसको ओपन करते हैं, राइट। तो लीजिए, ये पैकेट गया है खुल। सबसे टॉप पे आपको ये वारंटी कार्ड मिलता है जो हमने पहले दो में भी देखा था, राइट। एंड देन आपके पास है ये आपका कूलिंग पैड एंड देन आपको ये एक ब्रेडेड केबल भी मिलती है जो टाइप ए टू टाइप के केबल है आपकी, ब्रेडेड केबल। तो ये है आपका कूलिंग पैड, इसको ओपन करते हैं एंड ये दिखने में कुछ इस तरह से है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये बैटमैन जैसा दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसका डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये बैटमैन जैसा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दो कान यहाँ पे बनाए हैं, ये रेड डिटेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही लग रही है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। ओवरऑल बिल्ड मुझे सही लग रही है। यहाँ पे आपको लैबकेयर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, आप यहाँ देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको मिलेंगे लैपटॉप को टिकाने के लिए दो सपोर्ट्स। तो ये दो सपोर्ट्स मिल जाती हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे अभी फ़िलहाल तो सही लग रही है। एंड यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 फैंस मिल जाते हैं, जिसमें से दो छोटे फैंस हैं एंड दो बड़े फैंस हैं। एंड पीछे का जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा जो है वो प्लास्टिक बिल्ड है। तो हाइट एडजस्ट की बात कर ली जाए तो कुछ इस तरह से इसकी हाइट एडजस्ट आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये जो है वो आपको दो लेवल सपोर्ट तक मिलती है, आई गेस आप इसको बाहर निकाल सकते हो। यस, आप इसको अगर घुमा देंगे तो ये एक लेवल और बढ़ जाएगा, तो इस लेवल की आपको जो है आपकी हाइट एडजस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर इस पे मैं आपको लैपटॉप प्लेस करके दिखाऊं तो हम अपना इसमें एसूस रॉग प्लेस करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एसूस रॉग। तो पीछे से कुछ इस तरह से प्लेस हुआ है, यानी आप 17 इंचेस का लैपटॉप इतने ईजिली इस पर नहीं रख पाओगे, बट 14 एंड 15 इंचेस के लिए ये परफेक्ट है। इसकी ब्रेडेड केबल को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको मिलती है। एंड रेड रेड का जो आपको बीच बीच में हाइलाइट्स मिलते हैं, इससे पता चलता है कि ये गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है, दिमाग में रखे, राइट। ऑलराइट, सो दोस्तों, आपको यहाँ पे कनेक्ट करके भी तो दिखाना था, राइट। तो यहाँ पे आपको दो USB 2.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, देन आपको एक कंट्रोलर मिल जाता है जहाँ से आप फैंस की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी टू डू, राइट। चलिए अभी इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बैटमैन जो है वो जा चुका है, लुक एट द रेड कलर्स, राइट, एंड द फैंस आर रोटेटिंग एज वेल। तो ओवरऑल बहुत देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड आपके टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल करेगा। जो इसका कंट्रोलर है दोस्तों, वहाँ से आप इसको फैंस की स्पीड के साथ साथ आप इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो, आपको क्लिक का साउंड आएगा जिससे आप ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। देखो भाई, ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली यूज़ करते हैं एप्पल, एंड इसकी पैकिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है। अरे भाई साहब, ये तो कुछ डिफरेंट ही चीज़ निकली भाई, बट सुंदर बहुत लग रही है ना। देखो, आपको यहीं से बेसिकली आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किन लोगों के लिए है। देखो यहाँ पे जो कनेक्टर है वो टाइप सी कनेक्टर मिलता है, यानी ये एप्पल यूज़र्स के लिए बनाया गया है, दिमाग में रख के। एंड कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरह से है। तो सोचो, अगर आपके पास मैकबुक है एंड उसको अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो वो कितना सही लगेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्या है डब्बे के अंदर, और डब्बे के अंदर है ये वारंटी कार्ड, इसको रखो साइड पे। एंड देन आपको ये मिलता है, इसका मैं यूज़ बताता हूँ। एंड देन आपको सबसे सही चीज़ जो मिलती है वो मिलती है टाइप सी से टाइप ए कनेक्टर। ज़रूरी नहीं है दोस्तों सिर्फ मैक यूज़र्स ही अमीर हों, हो सकता है कुछ विंडोज़ यूज़र भी अमीर हों एंड वो उसको लेना चाहें, तो उनके लिए बेसिकली ये टाइप सी टू टाइप ए कन्वर्टर है, ताकि आप अपने विंडोज़ लैपटॉप पर कनेक्ट कर सको। हाँ, ये है इसकी कहानी। एंड ये इसको आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसको आप यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए एंड ये जो है वो आपके लैपटॉप को सपोर्ट करने का काम करेगा। तो अगर आपके पास मैकबुक है, जो कि मेरे पास नहीं है, वो आप स्पेशली रख सकते हो। अगर मैं एसूस रॉग रखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो ये सिर्फ मेरे स्टैंड का काम करेगा, मतलब इसको लिफ्ट करने का काम करेगा, ज़्यादा मेरे किसी काम का है नहीं। बट अगर आपके पास मैकबुक है, यानी छोटा डिवाइस है, या 14 इंचेस का कोई भी लैपटॉप है, उस केस में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। एंड यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा,
वो हैं ये चार यूएसबी पोर्ट्स। ये यूएसबी पोर्ट्स जो हैं ये 3.0 के हैं, एंड ये चार के चार यूएसबी पोर्ट आपको एक यूएसबी हब भी इसमें इनबिल्ट दे देता है। तो दिस इज़ नॉट ओनली अ स्टैंड, दिस इज़ अ यूएसबी हब इटसेल्फ। तो कनेक्ट करने के बाद ये कैसा सा दिखता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं अपने विंडोज़ के साथ कनेक्ट, एंड ये देख सकते हो आप इसकी आरजीबी जो है वो चमकने लगी है कुछ इस तरह से, इसमें आरजीबी पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आरजीबी है ये बहुत सही लग रही है लाइट के लिए। पीछे एक बटन दिया गया है, ये जो पीछे एक बटन है ये बेसिकली इसकी लाइट को कंट्रोल करने के लिए ही है। आप देख सकते हो पैटर्न यहाँ से चेंज होते हुए, ठीक है। एंड अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये बंद भी हो जाएगा, एंड अगेन लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन भी हो जाएगा। सो ये आपका आरजीबी के लिए बटन है। ऑलराइट, तो अब आपने अनबॉक्सिंग दोनों प्रोडक्ट्स की देख ली है, तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस पे बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले हम विनर की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली, अब मैं दोनों को थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे विनर को देखोगे तो विनर का जो प्राइस है वो आपको अराउंड 1200 से 1300 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड जो लेजेंड है इसका प्राइस जो है, इसकी अपनी वेबसाइट में फिलहाल के लिए 2800 है, बट फ्लिपकार्ट में शायद 3000 के आसपास है। तो यानी आप कह सकते हो 2800 से 3000 के बीच में देखने को मिलता है। तो पहले इसका कंक्लूड मैं कर लेता हूँ। देखो, ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, इसकी मुझे लुक्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाइट एडजस्टमेंट्स आपको दो लेवल के मिलेंगे जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी सही है, प्लास्टिक का सही है, ओवर ऊपर से मेश है, एंड ये बहुत अच्छी गेमिंग लुक देता है। इसके साथ जो ब्रेडेड केबल आती है मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये गेमिंग लुक ही देती है, बिकॉज इसमें रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। इसमें ओवरऑल जो आपको बैट लुक दिख रही है ये भी एक गेमिंग अग्रेसिव डिज़ाइन इसको बना देती है। तो ओवरऑल मैं इसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। चार फैंस हैं इसमें, ओवरऑल बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज हमने इसको गेमिंग करते हुए टेस्ट करा था तो 5 से 8 डिग्री के बीच में ये आपके टेम्परेचर को रिड्यूस भी कर देता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। अब बात करते हैं लेजेंड की। देखो, पहले ही मैंने बताया था लेजेंड्स मैक यूज़र को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। मतलब अगर आप विंडोज़ का कोई लैपटॉप यूज़ करते भी हो तो आई वुड से कि आप लाइट वेट लैपटॉप यूज़ करते हो तो उस केस में इसको एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हो, हैवी वेट लैपटॉप्स के लिए नहीं है। बट ये लेना किस लिए है, बिकॉज इसमें जो आरजीबी स्ट्रिप दी गई है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पहली चीज़। एंड ओवरऑल इसका एल्युमिनियम बिल्ड देख के ही आपको लग जाएगा कि यार ये मेरे मैकबुक पे बहुत अच्छा लगने वाला है, या विंडोज़ का कोई भी अगर आप एल्युमिनियम बिल्ड लैपटॉप यूज़ करते हो जो लाइट वेट है वो इस पर बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है। एंड चेरी ऑन द केक, जो उसमें आपको चार यूएसबी हब का सेटअप मिलता है जो कि 3.0 है। तो नॉर्मली भी अगर आप लेने जाओगे चार यूएसबी वाला 3.0 वाला, आपको 1000 के आसपास मिल जाएगा। देन ये स्टैंड फर्दर देखूँ तो 1200 से 1300 का इंडिविजुअल मिलता है। तो ओवरऑल कॉस्ट इसकी 2200-2300 के आसपास आती है, बट ओवरऑल बिल्ड अच्छी है, इसीलिए कंपनी ने इसको जो कॉस्ट है वो 2800 के आसपास रखी है, वेरी करती रहती है, बिकॉज इसमें टाइप सी कनेक्टर है एंड देन टाइप सी टू टाइप ए का कन्वर्टर भी मिल जाता है। तो ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड, बिकॉज इसमें गेमिंग टेस्ट करके कोई फायदा नहीं था, बिकॉज दोनों में से मेरा कोई भी लैपटॉप इस पर अच्छे से प्लेस नहीं होना था। तो एंड ये कूलिंग पैड भी नहीं है, ये सिर्फ आपके लैपटॉप को हाइट प्रोवाइड या एंगल प्रोवाइड करने के लिए ही यूज़ हुआ जाएगा, बट ये वाला पर्सनली कूलिंग पैड है जो गेमिंग के हमने टेस्ट किया है, एंड मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैं टोटली प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, मुझे पर्सनली लैप करके सभी प्रोडक्ट्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।